Hey guys, this is Exotic Gaming. Welcome back to a new video. तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस वाली वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एम असिस्ट आप और हमारा एम खराब कर रहा है। मीन्स एम असिस्ट से हेल्प तो मिलती है हमें एम करने में, बट एम असिस्ट हमारा एम भी खराब कर रहा है। तो वो कैसे, वो मैं आप लोगों को आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे एम असिस्ट से हमारा एम खराब हो रहा है, एंड आप लोगों को अपनी एम असिस्ट ऑन रखनी चाहिए या ऑफ रखनी चाहिए, एंड आप लोगों को अपनी एम असिस्ट अगर ऑफ रखनी है तो कितने दिन के लिए ऑफ रखना चाहिए, या फिर आप लोगों को अपनी एम असिस्ट कहाँ पर ऑन रखनी चाहिए, यह सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो पर बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले जितने भी कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपनी एम असिस्ट क्यों ऑफ रखते हैं, क्योंकि उससे उनके एम में इम्प्रूवमेंट आए। एंड जितने भी कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स को आप लोगों ने देखा होगा, उनमें सब में एक चीज़ कॉमन ज़रूर होता है, उन सारे कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स का एम ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। मीन्स उनकी जो एम होती है ना, वो मैग्नेटिक एम रहती है। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स की मैच देख लो, आप लोग उन सारे बंदे की एम देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि वो अपनी एम असिस्ट ऑफ करके खेलते हैं। तो देखो, एम असिस्ट ऑफ करके खेलने के बेनिफिट क्या है। सबसे पहले बेनिफिट जो आप लोगों को मिलेगी, वो है आप लोगों की ट्रेसिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप लोग किसी भी बंदे को कार स्प्रे में ट्रेस करते रहोगे ना, एंड उस टाइम पे आप लोगों की एम असिस्ट ऑफ रहेगी, तो आप लोगों को उस बंदे को मैनुअली ट्रेस करना पड़ेगा। मीन्स जो कार जा रही है, आप लोगों को उसे मैनुअली ट्रेस करना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों को एम असिस्ट कोई भी हेल्प नहीं करने वाली। एंड जब आप लोग इसे खेलते खेलते प्रैक्टिस करते करते यूज टू हो जाओगे ना, तब आप लोगों की एम में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। सेकेंड बेनिफिट आप लोगों को ये मिलने वाली कि आप लोगों की स्प्रे है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, क्योंकि जब कभी भी आप लोग लॉन्ग रेंज में स्प्रे देते रहते हो ना, उस टाइम पे आप लोगों की एम काफ़ी ज़्यादा चोक होती है। एंड उस टाइम पे जब आप लोगों की एम असिस्ट ऑफ रहेगी, तो और भी ज़्यादा एम चोक करेगी। एंड जब और भी ज़्यादा एम चोक होगी, तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों की एम इम्प्रूव हो जाएगी। तीसरी बेनिफिट आप लोगों को ये मिलती है कि आप लोगों की क्लोज रेंज में ना, जो हेडशॉट कनेक्ट करने की एक्यूरेसी है ना, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ऐसा क्यों, वो भी आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ। देखो, एम असिस्ट का काम क्या होता है कि आप लोगों की एम को बॉडी पे लाना। मीन्स अगर आप लोग हेड से ऊपर अपनी एम रखोगे, तो आप लोगों की एम जो है वो ऑटोमेटिकली बॉडी पे आ जाएगी। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं ऐसे ही फॉल्स क्लेम कर रहा हूँ। आई बटन पे जो वीडियो आ रही है, आप लोग वो वाली वीडियो चेकआउट कर लो, उस पर मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, एंड मैंने हेडशॉट की कैसी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते वो भी बताया। तो आई बटन पे जो वीडियो आ रही है, आप लोग वो वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एम असिस्ट का काम क्या होता है। तो देखो, एम असिस्ट का काम ये होता है, जब कभी भी आप लोग किसी बंदे की जीएल वगैरह ट्रेस कर रहे हो, या फिर कभी स्प्रे वगैरह दे रहे हो, तो उस टाइम पे एम असिस्ट आप लोगों को हेल्प करती है बंदे पे एम ले जाने की। मीन्स अगर आप लोगों की एम थोड़ी सी बॉडी के लेफ्ट या राइट पे है, तो उस टाइम पे आप लोग अगर फायर करोगे, वो ऑटोमेटिकली एम आप लोगों के बंदे के बॉडी पे ले जाएगा। तो अभी आप में से काफी सारे बंदे के मन में डाउट होगा कि एम असिस्ट इतनी अच्छी चीज है, वो हमें एम करने में हेल्प करती है, एंड मैं क्या बकवास कर रहा हूँ कि एम असिस्ट से हमारा एम खराब हो जाएगा। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एम असिस्ट ना कुछ कुछ जगह पे काम नहीं करती है, जैसे कि कस्टम रूम वगैरह हो गया, वहां पे एम असिस्ट बिल्कुल भी काम नहीं करती है, एंड और भी जगह पे काम नहीं करती, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले आप लोग ये वाली क्लिप देखो। तो इस पे मैंने एक 1v1 TDM लगाया, एंड अभी देखो मैं अपनी एम असिस्ट को ऑफ करके ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि एम असिस्ट हमें हेल्प करती है कि नहीं बंदे पे एम ले जाने पे। तो देखो, मैंने अपनी एम को बंदे के हेड से थोड़ी ऊपर रखी, एंड मैंने जैसे ही फायर किया, तो एम असिस्ट ने यहाँ पे बॉडी पे एम को अट्रैक्ट नहीं किया। एंड जैसे ही मैं देखो राइट साइड या लेफ्ट साइड पे भी फायर करता हूँ, तो एम असिस्ट बंदे के बॉडी पे एम को अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, जबकि मेरी एम असिस्ट ऑन है। तो चलो, अभी हम एम असिस्ट ऑफ करके ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी एम अट्रैक्ट होने वाली है कि नहीं बॉडी पे एम असिस्ट ऑफ जब हमारी रहती है। तो देखो, अभी मैंने एम असिस्ट ऑफ कर दिया आप लोगों के सामने, एंड इससे पहले मेरी एम असिस्ट ऑन थी, तो यहाँ पे एम असिस्ट ऑन पे ये मेरी एम बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुई। तो चलो, यहाँ पे फायर करके देखा मैंने, बिल्कुल भी एम अट्रैक्ट होकर बॉडी पे नहीं आई। तो राइट हैंड पे भी फायर किया, तो नहीं आई। अब लेफ्ट हैंड पे भी देखते फायर करके कि क्या हमारी एम बॉडी पे आती है। तो देखो, कहीं पे भी मैं फायर कर रहा हूँ ना, तो एम असिस्ट ऑफ हो या चाहे ऑन हो, हमारी एम बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रही है बॉडी पे या फिर बंदे के चेस्ट पे। जैसे हमारी एम असिस्ट पहले ऑन रहती थी, तो वहाँ पे हमारी एम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर बंदे की बॉडी पे आ जाती थी। बट जैसे कि आप लोग देख सकते, एम असिस्ट ऑन हो या चाहे ऑफ हो, दोनों पे यहाँ पे हमारी एम अट्रैक्ट नहीं हो रही। मीन्स हमारी एम असिस्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। मे बी ऐसा हो सकता है कि एम असिस्ट TDM रूम पे वर्क नहीं करती हो। तो अभी हम चेक करते हैं चेयर पार्क पे कि क्या हमारी एम असिस्ट वर्क कर रही है कि नहीं। तो देखो, अभी यहाँ पे मेरी एम असिस्ट ऑन है, मैं ऑफ करके इसे फिर से ऑन करता हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं, मैंने एम असिस्ट ऑन रखा है। अब यहाँ पे मैं देखो बंदे की हेड से थोड़ी ऊपर फायर करके देखता हूँ कि क्या हमारी एम असिस्ट अट्रैक्ट करती है कि नहीं एम को बंदे की बॉडी पे।
तो यहाँ पे अभी मैंने फायर किया फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं किया। थोड़ी मैंने नीचे फिर करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो मैंने फिर फायर किया, फिर भी यहाँ पे हमारी एम अट्रैक्ट नहीं हुई। एंड उसने थोड़ी नीचे किया तो वहाँ पे हेड पे एम लग गई, बट वहाँ पे बॉडी पे एम अट्रैक्ट नहीं हुई। तो चलो अब हम एम असिस्ट ऑफ करके चेक करते। वैसे तो पता है मुझे कि एम असिस्ट ऑफ करके ट्राई करके कोई भी फायदा नहीं है, बट फिर भी एक बार ही चेक करके देख लेते कि क्या हमारी एम अट्रैक्ट होती है कि नहीं बॉडी पे। तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मैं बंदे की हेड से थोड़ी ऊपर एम करके फायर किया, यहाँ पे हमारी एम बिल्कुल भी नहीं लगी। एंड जैसे ही मैंने थोड़ी नीचे किया तो हेड पे यहाँ पे बुलेट हमारी कनेक्ट हो गई, एंड यहाँ पे हैंड पे भी बुलेट कनेक्ट हो गई। तो देख सकते हैं हमारी एम असिस्ट ऑफ हो चाहे ऑन हो, यहाँ पे हमारी एम असिस्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। चाहे वो टीडीएम रूम हो, क्लासिक रूम हो, या फिर हमारी चेयर पार्क हो, कहीं पे भी हमारी एम असिस्ट वर्क नहीं कर रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एम असिस्ट बेकार है। एम असिस्ट वर्क तो करती है, बट वो नॉर्मल टीडीएम एंड नॉर्मल क्लासिक मैचेस पे वर्क करती है। इसलिए जब कभी भी आप लोग नॉर्मल टीडीएम खेलो ना, तो उस टाइम भी अपनी एम असिस्ट को हमेशा ऑफ रखो, क्योंकि जब कभी भी आप लोग टीडीएम रूम खेलोगे ना, उस टाइम पे आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बंदे की जिगल वगैरह ट्रेस करने में, एंड क्लोज में भी काफी प्रॉब्लम आने वाली है। एंड आप लोगों को क्लासिक मैच पे क्या करनी चाहिए, अपनी एम असिस्ट ऑन रखनी चाहिए या ऑफ रखनी चाहिए? तो देखो अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव प्लेयर हो या फिर आप लोग कॉम्पिटेटिव खेलना चाहते हो, देन आप लोग अपनी एम असिस्ट सारे जगह पे ऑफ रखो। चाहे आप लोग नॉर्मल टीडीएम खेलो या नॉर्मल क्लासिक खेलो या फिर टीडीएम रूम या क्लासिक रूम खेलो, सारे जगह पे अपनी एम असिस्ट ऑफ करके अगर आप लोग खेलोगे तो इससे आप लोगों की एम में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। बट अगर आप लोग नॉर्मल प्लेयर हो, मीन जो फन के लिए क्लासिक टीडीएम खेलते हो, तो आप लोग अपनी एम असिस्ट ऑन ही रखो। एंड गाइस अगर आप लोगों को अपनी जिगल इंप्रूव करनी है, या फिर हिप फायर की एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, हेडशॉट की एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, या फिर अपनी क्लोज रेंज इंप्रूव करनी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। एंड गाइस मैं लास्ट 5 डेज से कोई भी वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आप में से काफी सारे बंदे ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाते हो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक